वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के डिलीटेड सिलेबस के अबाउट। काफ़ी बच्चों को डाउट है कि भी जो मैथमेटिक्स का न्यू सिलेबस है उसमें क्या डिलीटेड है और क्या हमारा सिलेबस के अंडर आ रहा है। तो आपको क्या कवर करना है, क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल डिलीट कर देना है। देखो किस किस चैप्टर में से आपको क्या डिलीट किया गया है, ये सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो अगर हम अपनी बुक देखें, ये हमारे पास सेलिना कॉन्साइज बुक है। सेलिना कॉन्साइज का ये कंटेंट पेज है हमारा, ठीक है, ये हमारा इंडेक्स पेज है। इस इंडेक्स में आपको देखना है कि भी किस चैप्टर में से क्या डिलीट हुआ है। कुछ ही चैप्टर्स हैं जिसमें डिलीट हुआ है पार्ट्स। जैसे अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें जीएसटी, तो जीएसटी में देखो कंप्लीट है, लेकिन इसमें इंटर स्टेट वाले जो केस हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ये नहीं आ रहा जिसमें हम आईजीएसटी कर लेते हैं डायरेक्ट कैलकुलेट। तो हम इंट्रा स्टेट केस इसमें कवर करते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ इंट्रा स्टेट के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिलेबस के अंदर, इंट्रा स्टेट, जिसमें हमारा जीएसटी डिवाइड हो जाता है एस जी एस टी और सी जी एस टी में। तो इसलिए आपको ये इंटर स्टेट वाला केस नहीं करना है। और इसमें क्या क्वेश्चन करने और क्या नहीं करने वो हमने अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो लिंक है आपको एग्जाम मटेरियल 2025 में, जाइए आप एग्जाम मटेरियल 2025। तो एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025 में जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए आपके लिए सेलिना कॉन्साइज में और जो हमारी बुक एवरग्रीन बुक में है, वो वही क्वेश्चंस हैं जो हमारे सिलेबस के अंडर कवर किए जा रहे हैं। ओके, तो आप जो भी डिलीटेड पोर्शन है उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि भी क्या आपको नहीं करना है। जीएसटी में आपको इंटर स्टेट वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। बैंकिंग में कंप्लीट आ रहा है हमारा, बैंकिंग करना है। शेयर डिविडेंड में कंप्लीट करना है आपको। और जो भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए आप उनको कर लो, बस वही इसमें करना है। जैसे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है, लीनियर इक्वेशन में जो इंटरसेक्शन यूनियन वाला केस है, जैसे वो बोलता है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ये वाले केस नहीं आ रहे हैं। ओके, तो इंटरसेक्शन और यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट वगैरह, ये सिलेबस के अंडर नहीं है। और ये हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हमने आपको बताया कि भाई ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करने हैं क्योंकि ये सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करना है आपको, सॉल्विंग प्रॉब्लम आपको कंप्लीट करना है, लेकिन इसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए हैं क्योंकि सॉल्विंग प्रॉब्लम में बच्चों को प्रॉब्लम आती है ज्यादा। मोस्टली बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इसलिए हमने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं, आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो वाला पार्ट कंप्लीटली डिलीटेड है, इसमें सिर्फ प्रोपोर्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज आपको करना है कवर। ओके, एंड रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम कंप्लीटेड है, मैट्रिक्स कंप्लीटेड है, मैट्रिक्स में कंप्लीट आ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वरना इसमें कंप्लीट आ रहा है, देखो डिलीटेड नहीं है इसमें। जीपी में डिलीटेड नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ जो आपको बेसिक लेवल क्वेश्चन है वही देखने को मिलेंगे। रिफ्लेक्शन कंप्लीटेड है हमारा, रिफ्लेक्शन आपको करना है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन, इनमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। ये सभी चैप्टर्स करने हैं और आपको फुल बुक का रिव्यू देखना है। तो फुल बुक पर जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डाली आप उसमें देखिए, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि भाई क्या नहीं करना है आपको। सिमिलैरिटी कंप्लीट करना है आपको, सिमिलैरिटी मॉडल वगैरह सभी इसमें इंक्लूडेड है। लोकी, ये जो चैप्टर है हमारा इसको हम लोसाई भी बोलते हैं, ठीक है, लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे और कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वही हमने आपको मार्क कराए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आपको करने हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन इसमें नहीं करने हैं, कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन इसमें नहीं करना है। ये प्रूविंग वाले जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं करने हैं बिल्कुल भी इसमें, लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन में। तो आप एवरग्रीन वाला लेक्चर देखिए इसका और सेलिना वाला देखिए, सेलिना में तो हमने मोस्टली सभी क्वेश्चन कवर कराए हैं, लेकिन एवरग्रीन बुक में हमने क्या किया है, इसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस कराए हैं और एवरग्रीन बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है इसमें। आप एवरग्रीन वाला लेक्चर भी देख सकते हैं इसके लिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। सर्कल, सर्कल कंप्लीट है लेकिन इसमें थ्योरम्स का प्रूफ नहीं है, ठीक है, थ्योरम्स का प्रूफ नहीं है, प्रूविंग क्वेश्चन है लेकिन थ्योरम्स के प्रूफ नहीं है। ओके, तो थ्योरम्स का कोई भी प्रूफ नहीं करना आपको। टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोर्ड्स में भी वही है सेम, थ्योरम्स का प्रूफ नहीं करना लेकिन प्रूविंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में सिंपल कंस्ट्रक्शन बेस्ड, जिसमें कंस्ट्रक्शन में भी आपको देखो क्या करना है सिंपल, हमने इसमें बात की थी कि भी सिंपल इसमें क्या होता है, जैसे सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये बनाने के लिए आएगा आपको, जैसे ट्रायंगल में आता है, हेक्सागन में आता है, सिंपली बस आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, इनको करिए आप। इसमें सिलेंडर कोन स्फीयर कंप्लीट आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे तो ये सफिशियंट। यहाँ पर आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है ये कंप्लीट करना है, इसमें डिलीटेड नहीं है। इसमें जो हमारे टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे टेबल में आता है हमारा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स को रीड करना, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स जैसे नॉन स्टैंडर्ड एंगल बोल देता है वो 22 डिग्री 16 मिनट, ये जो इस टाइप की वैल्यूज है
ये जो क्वेश्चंस हैं इनका एप्लीकेशन सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में देखने को मिल रहा है, तो आप उसको कर सकते हो। वैसे उसके क्वेश्चन हमने बताए नहीं है आपको, पर इसके जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे वो हाइट एंड डिस्टेंस में आ रहे, तो आप उसको एक बार रीड कर लेना कि भी कैसे हम वैल्यूज फाइंड करते हैं नॉन स्टैंडर्ड एंगल की विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल या मैथमेटिकल टेबल बोलते हैं उसको। सिंपल क्वेश्चन नंबर जैसे चैप्टर नंबर 23 है, चैप्टर नंबर 23 में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता, इसमें ये हमारा क्वेश्चन इसी में इंक्लूडेड हो जाता है जिसमें हम क्या बनाते हैं, ओगी बनाते हैं और हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम वगैरह हमारा यूज हो जाता है किसमें, मोड वगैरह में, और ओगी भी यूज हो जाता है हमारा मीडियन में। तो आपको ये कंप्लीट करना है। एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में आपके सिंगल इवेंट वाले क्वेश्चन हैं, कार्ड्स वाले क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, तो इसमें कार्ड्स वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। ओके, तो कार्ड्स वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, बिल्कुल डिलीटेड है ये, तो कार्ड्स वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। ओके, तो ये है इसमें हमारा, तो कंप्लीट ये रहने वाला है हमारे जो क्वेश्चन हैं। बस आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन नहीं करने प्रोबेबिलिटी में, सिंगल इवेंट्स वाले करने। वैसे आप टू इवेंट्स वाले कर लेना, जैसे टू कॉइन टॉस करते हैं, टू कॉइन टॉस करते हैं, या फिर डबल डाइस रोल करते हैं, तो ये डिलीटेड है, फिर भी आप कर लेना इसको। कार्ड्स वाले तो आपको करना ही नहीं है, ये सभी डिलीटेड है आपके सिलेबस में से। तो बस ये करिए आप इसमें क्वेश्चन, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करिए। पी वाई क्यूज चल रहा है हमारा, पी वाई क्यूज सीरीज करिए आप। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको सोल्व कराए वो करिए, उन सभी का लिंक आपको बोर्ड एग्जाम मेटल सीरीज में मिलेगा, और सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आई बटन में आपको बोर्ड जो एग्जाम मेटल सीरीज चल रही है 2025 उसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप स्विच करिए एग्जाम मेटल 2024 प्लेलिस्ट पर, आपको कंप्लीट एग्जाम रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।